देखिए, ऐसा है कि ये एक चुनौतीपूर्ण समय है। अरविंद केजरीवाल जी ने 2 करोड़ लोगों की सेवा करने का संकल्प लिया है और ये उनकी प्रतिबद्धता है, और उस सेवा को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने 2 युवा चेहरों को, सौरभ भारद्वाज जी को, आतिशी जी को ये मौका दिया है। और मुझे पूरा भरोसा है हमारे दोनों साथी समर्पित हैं, पार्टी के प्रति योग्य हैं, सक्षम हैं, और ये दोनों मिलकर अरविंद केजरीवाल जी के साथ दिल्ली के लोगों की सेवा करेंगे। मैं इनको हृदय से शुभकामनाएं देता हूं, लेकिन साथ ही साथ हमारे जो 2 मंत्री आज जेल में हैं, मनीष सिसोदिया जी, सत्येन जैन जी, इन दोनों को सजा किस बात की मिली? सिर्फ एक बात की कि इन्होंने पूरे दुनिया में सबसे बेहतरीन शिक्षा का मॉडल दिया, स्वास्थ्य का मॉडल दिया, मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल दिया, एजुकेशन का मॉडल दिया। ये बीजेपी की आंख की किरकिरी बन गई है, ये मोदी जी की आंख की किरकिरी बन गई है, लेकिन ये काम रुकेंगे नहीं। जैसे दिल्ली की सेवा पहले होती रही है, आगे भी होती रहेगी। हाँ, ये मैं जरूर कहूंगा कि भाजपा का चेहरा, मोदी जी का चेहरा पूरे देश के सामने और दिल्ली के लोगों के सामने बेनकाब हुआ है। आज दिल्ली के 18 लाख परिवार जिनको अच्छी शिक्षा मिल रही थी उनके बच्चों को, वो इनको निश्चित रूप से कोस रहे होंगे और वक्त आने पर अपने वोट की ताकत से जवाब देंगे। इस बीच सिलेंडर की जो दाम वाली, आप बताइए कि उत्तर प्रदेश का चुनाव हो रहा था, उसमें हमारे ये अमित शाह जी जो गृह मंत्री हैं, इन्होंने कहा कि भाइयों 10 मार्च को वोट दे देना, 20 मार्च को होली है, होली में सिलेंडर फ्री मिलेगा, दिवाली में सिलेंडर फ्री मिलेगा। होली भी बीत गई, दिवाली भी बीत गई, अब नई होली आ गई। नई होली के पहले इन्होंने तोहफा दे दिया। क्या दे दिया? 50 रुपए घरेलू सिलेंडर महंगा, 350 रुपए कमर्शियल सिलेंडर महंगा। आप बताइए, महंगाई से पहले ही जनता की कमर टूट चुकी है। आपने आटा का, दाल का, चावल का, दूध का, दही का, छाछ का, कैंसर की दवाओं का, टीवी की दवाओं का, हार्ट की दवाओं का, किडनी की दवाओं का दाम बढ़ा के रखा है, पेट्रोल डीजल सरसों का तेल सब महंगा करके रखा है, और ऊपर से ये गैस का सिलेंडर। इसको जब मन में आता है 50 रुपए, 350 रुपए आप महंगा कर देते हैं। और अभी इन भाजपाइयों से पूछ लीजिए तो कहेंगे बांग्लादेश में महंगाई है, पाकिस्तान में महंगाई है, नेपाल में महंगाई है, जब वहां लोग मर रहे हैं तो तुम क्यों नहीं मरते, तुम भी मरो, तुम भी मरो, इस प्रकार की दलील देते हैं। जिसको भारत में महंगाई लग रही हो वो पाकिस्तान चला जाए, वो बांग्लादेश चला जाए, वो नेपाल। अभी आप सुनिएगा, यही सब बयान देंगे। राष्ट्र के निर्माण के लिए क्या आप 350 रुपए महंगा सिलेंडर नहीं खरीद सकते? यही सब बोलेंगे, सुनिएगा अभी आप। आपने और सवाल भी उठाया, अनिल बैजल का नाम उसमें दिया। देखिए, अनिल बैजल जी ने ही इस पॉलिसी को अप्रूव किया था। मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस पॉलिसी को भ्रष्ट पॉलिसी बता रही है बीजेपी, भाई इस पॉलिसी को अप्रूव किसने किया? और कुछ संशोधन जो उनके थे, वो संशोधन भी उन्होंने बताया कि 16-18 ये संशोधन आपको करने होंगे, सरकार ने वो संशोधन भी कर दिया, उसके बाद उन्होंने अप्रूव किया पॉलिसी को। और अब आप कह रहे हैं कि साहब इस पॉलिसी में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो गया, मनीष सिसोदिया ने तो 10,000 करोड़ रुपए की रिश्वत ले ली। अरे भाई कुछ तो सोचो, 14 घंटे सीबीआई ने घर में छापा मारा, गांव में छापा मारा, दफ्तर में छापा मारा, बैंक का लॉकर चेक कर लिया, कहीं कोई संपत्ति, सोना, कोई करोड़ों रुपए की बरामदगी कुछ तो हुआ होता, कहां चला गया ये पैसा? तो इसलिए फर्जी बेबुनियाद बातें हैं। और मैं तो कहता हूं भाजपाइयों के बारे में, वो किडनैपिंग गैंग चला रहे हैं, कोई राजनीतिक दल नहीं। सर एक ये बस कि बीजेपी आज जगह जगह जन जागरण अभियान चलाकर प्रदर्शन कर रही है और मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांग रही है, और ये भी कि कांग्रेस भी अब यही उस रणनीति। भाजपाइयों को एक जन जागरण चलाना चाहिए कि उनके नेता नरेंद्र मोदी जी ने कैसे कोयला अडानी को दिया, गैस अडानी को दिया, बिजली अडानी को दिया, पानी अडानी को दिया, स्टील अडानी को दिया, सीमेंट अडानी को दिया, सीपोर्ट अडानी को दिया, पोर्ट अडानी को दिया, एयरपोर्ट अडानी को दिया, तो आकाश से पाताल तक अडानी के साथ मिलकर देश को कैसे लूटा है भाजपाइयों ने, इसके लिए जन जागरण चलाना चाहिए। और सर कांग्रेस पर आपकी प्रतिक्रिया, जमा करने कहा कि गोवा में वो कांग्रेस तो भ्रष्टाचार की जनरेटर है, उसके बारे में क्या बात करें, उसी के रास्ते पे दोनों भाई एक साथ मिलकर चल रहे हैं।